वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं टमाटो रसम, बिना दाल वाली जो है रसम बनाने वाले हैं। बहुत ही क्विक इजी है और ठंडी के दिनों में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये मैंने लिए हैं 3 मीडियम टमाटर, बारीक काट कर रखे हुए हैं। ये है 1 से 1.5 चम्मच जो है रसम पाउडर। ये मैंने घर पर बनाया है। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं आपकी इसकी रेसिपी बनाकर वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। ये जो है एक नींबू के आकार का जो है इमली है, इसे मैंने 5 मिनट जो है भिगो के रखा हुआ है। अगला जो है इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता। ये है पेपर। पेपर जो है 10 से 12 पेपर लिए हुए हैं मैंने। काली मिरी, ये जो है झोंक लगाने के लिए 1 सूखी मिर्ची, और 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, जोंक लगाने के लिए 2 चम्मच हम तेल लेने वाले हैं। पानी जो है लिक्विड, हमें जितना लिक्विड कंटेंट चाहिए हम उतना पानी है लेने वाले हैं। तो अभी मैंने 1 ग्लास लिया है, तो कुकिंग टाइम में अगर ये हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम आधा भी ले सकते हैं, 1 या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फिर जो है चलिए तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो लिया है ये कॉपर बॉटम पैन लिया हुआ है। आप चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन कॉपर बॉटम पैन है अगर आपके पास तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हम जोंक नहीं लगाने वाले हैं तो जलने का बिल्कुल डर नहीं है। सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ पानी। मैंने पूरा 1 ग्लास पानी लिया हुआ है और मैं जो है इसमें टोमेटो ऐड करने वाली हूँ सारा का सारा। अब हम जो है इसे थोड़ा मीडियम आँच पर 1 उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं 1 उबाल आ चुका है टोमेटो में। अब हम जो है इसमें अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है इमली। इमली को मैं जो है अच्छे से स्क्वैश कर रही हूँ। अच्छे से आपको इसको जो है, अब जो है इसका पानी हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। नमक, ये नमक मैंने जैसे कहा है 1 टेबलस्पून है। रसम पाउडर आधा अभी डालेंगे, आधा हम जो है बाद में डालने के लिए रखेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से हिलाना है और करीबन जो है हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक फिर से हम जो है उबालने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसे हम जो है उबालेंगे। अभी ये जो उबलने, हम जो एक और 1 मिनट के लिए जो उबाएंगे, हम अब इस बार जो है हम ढककर उबालेंगे इसे। आँच को मीडियम ही रखेंगे, तो इसे हम जो है 1 से 1.5 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ेंगे, तब तक जब तक कि ये जो हमने इमली का पानी डाला है वो भी पक नहीं जाता। तो चलिए इसे उबालने के लिए छोड़ते हैं। अभी हम जो है 1.5 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे चेक करने वाली हूँ। देख सकते हैं पानी जो है काफ़ी घट चुका है। अभी मैं इसमें और आधा ग्लास पानी ऐड करने वाली हूँ। ये इसलिए है क्योंकि अभी भी टमाटर पूरी तरह से पके नहीं हैं और रसम जो है वो लिक्विड क्वांटिटी में ही रहता है, वो थिक नहीं रहता है, तो इसे लिक्विड ही रहेंगे। अब जो है इसे हम फिर से करीबन ढककर 1 मिनट तक हम जो है इसको उबालने के लिए मीडियम आँच पर छोड़ देंगे। ये जो है करीबन 1 मिनट से पक रहा है, मैं इसे जो है आँच निकाल लेती हूँ। चलिए चेक करते हैं टमाटर पक चुके हैं या नहीं। एक और तरीका है टमाटर पके हैं कि नहीं देखने के लिए, आप जो है इस तरह से उन्हें अगर प्रेस करते हैं और छिलका जो है निकल के आता है, आप देख सकते हैं छिलका जो है निकल के आता है, तो टमाटर पक चुके हैं, ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इस गैस को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ेंगे, ढकना नहीं है, मीडियम आंच पे है। तो चलिए तब तक हम जो है झोंक लगाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए झोंक लगाते हैं। गैस को बिल्कुल सिंपल रखना है। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल को थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पेपर, काली मिरी और जीरा, सूखी मिर्च तोड़ कर डाल देंगे।
अच्छे से हिला लेना है। इसको होने देंगे, एक पिंच हींग ये बिल्कुल आखिरी में डालेंगे। अब इस ये जो है झोंक तैयार हो चुका है, अब हम जो है इसे रसम में डाल देंगे। आप ज़रा संभल के डालिएगा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। अब हम जो है आखिरी इंग्रेडिएंट जो है मैंने आधा पाउडर जो रखा था वो डाल देंगे और इसे करीबन 30 से 40 सेकंड तक मीडियम आंच पे उबालने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स रेडी है टमाटर का रसम, बहुत ही क्विक टेस्टी और जो है ठंडी में बहुत ही मज़ा आता है, चावल के साथ जो है खा सकते हैं और गरम गरम चावल के साथ खाने पे इसका टेस्ट और भी बेटर और बढ़िया हो जाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो ताकि दूसरे भी जो है इन रेसिपीज़ को एंजॉय कर सके। आप जो है ट्राई कीजिए और बताइए कैसे बना है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए क्विक और इंस्टेंट और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।